दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे अनिल अंबानी की इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के लिए बड़ी योजनाओं के बारे में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल अंबानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में उतरने की योजना बना रही है। कंपनी ने इस बाजार और इसकी योजनाओं की फिजिबिलिटी स्टडी करने के लिए एक कंसल्टेंसी फर्म को नियुक्त किया है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने इस प्रोजेक्ट के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी संजय गोपाल कृष्णन को सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया है। संजय गोपाल कृष्णन पहले चीन की ईवी कंपनी बीवाईडी के भारत प्रमुख थे। चीन की बीवाईडी दुनिया की अग्रणी ईवी कंपनी है जो एलोन मस्क की टेस्ला को काफी कड़ी टक्कर दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि अनिल अंबानी ने अपनी ईवी योजनाओं पर काम करने के लिए एक बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी को नियुक्त किया है, जिससे पता चलता है कि उनकी इस बिजनेस के लिए बड़ी योजनाएं हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कंपनी शुरुआत में प्रतिवर्ष 2,50,000 वाहनों की उत्पादन क्षमता से काम शुरू करेगी। अगले कुछ वर्षों में इस क्षमता को 7,50,000 वाहनों तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी 10 गीगावाट घंटे की क्षमता वाला बैटरी प्लांट लगाने पर भी विचार कर रही है। पिछले साल भारत में बेची गई 42 लाख कारों में से इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 2% से भी कम थी, लेकिन भारत सरकार चाहती है कि 2030 तक ईवी वाहनों की हिस्सेदारी 30% तक बढ़ाई जाए, जिसके लिए सरकार ने ईवी कंपनियों के लिए $5 बिलियन से अधिक का इंसेंटिव पैकेज भी तैयार किया है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर का मौजूदा बाजार मूल्य 220 रुपए से अधिक है। नई ईवी और बैटरी योजनाओं के साथ इस कीमत पर स्टॉक खुदरा निवेशकों के लिए एक अच्छा निवेश है।